मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू बैक ऑनलाइन क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास सिक्स स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में कंप्यूटर साइंस का चैप्टर सेवन स्टडी कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू क्यूबेसिक आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक है रेम कमांड रेम कमांड क्या होता है रेम कमांड मीन्स होता है रिमार्क कमांड यानी कि बेसिक में प्रोग्राम में रेम कमांड का क्या यूज है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं इट इज यूज टू एड कमांड्स इट ई यूज टू एड कमेंट्स इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम रेम कमांड का यूज प्रोग्राम के बॉडी में कमेंट को ऐड करने के लिए करते हैं द बेसिक फॉर्म ऑफ रेम कमांड इज सिंटेक्स रेम ब्रैकेट रिमार्क रेम का रेम का बेसिक फॉर्म रेम कमांड का बेसिक फॉर्म होता है रिमार्क ओके वेयर रिमार्क में बी एनी टेक्स्ट विच डिस्क्राइब्स द प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम जहाँ रिमार्क कोई भी टेक्स्ट हो सकता है जो किसी प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए टू आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम इन किसी प्रोग्राम के वेरियस पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने का कोई भी रिमार्क्स हम लोग दे सकते हैं कोई भी रिमार्क के फॉर्म में की, कोई भी टेक्स्ट कोई भी कमेंट हो सकता है ओके इनपुट कमांड क्या होता है तो दिस कमांड इज़ यूज टू इंटर डेटा असाइन टू द वेरिएबल गिवन विद इन द प्रोग्राम वाइड इट इज़ रनिंग इस कमांड इस का इस्तेमाल हम लोग कोई भी डेटा को रन इंटर करने के लिए करते हैं और जो प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल रन करता है उसको वो असाइंड करेगा ओके ए क्वेश्चन मार्क एंड ए कर्ज़र अपीयर्स ऑन द स्क्रीन टू गिव वैल्यू क्वेश्चन मार्क और जो कर्ज़र है वो जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता है स्क्रीन पर उसको अपीयर करता है लेट कमांड क्या होता है इट ई यूज टू असाइन द वैल्यू और डेटा टू ए वेरिएबल लेट कमांड का यूज किसी वेरिएबल या वैल्यू वेरिएबल के डेटा या वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है द बेसिक फॉर्मेट ऑफ लेट कमांड इज सिंटेक्स लेट वेर इज इक्वल टू वेर स्लैश डेट स्लैश एक्सप्रेशन लेट कमांड का लेट कमांड का बेसिक फॉर्मेट होता है वेरिएबल या फिर डेटा या फिर एक्सप्रेशन ओके वेयर वेयर इज वेरिएबल नेम और इज स्ट्रिंग जबकि वेयर जो है वो एक वेरिएबल नेम होता है या फिर एक स्ट्रिंग होता है एंड एक्सप्रेशन इज़ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग ऑफ द डेटा एक्सप्रेशन एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है और एक स्ट्रिंग जो डेटा का स्ट्रिंग होता है गो टू कमांड गो टू कमांड क्या होता है तो इट अलाउज द यूजर टू जंप एनी वेयर इन द प्रोग्राम सिंपली बाई इंटरिंग द लोकेशन डॉलर वेरिएबल या किसी भी प्रोग्राम में प्रोग्राम में किसी भी जगह पे यूजर गो टू कमांड को जंप करा सकते गो टू कमांड के थ्रू वेरिएशन जो भी वेरिएबल डेटा जो इंट्री किया गया है इसको लोकेशन के अंदर वेरिएबल को जंप कर सकता है द बेसिक फॉर्मेट इज गो टू गो टू का बेसिक फॉर्मेट होता है वैल्यू और लाइन नंबर ओके नेक्स्ट है इफ़ देन इफ देन क्या होता है तो दिस कमांड इज यूज टू चेक ए पार्टिकुलर कंडीशन वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स इस कमांड का यूज कोई पार्टिकुलर कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है किसी खास स्थिति में या ट्रू है या फिर फॉल्स है इफ द कंडीशन इज़ ट्रू द कंप्यूटर विल फॉलो द कमांड गिवेन विथ देन यदि अगर कंडीशन ट्रू है तो कंप्यूटर क्या होगा कि देन के साथ जो भी कमांड दिया हुआ है उसको फॉलो करेगा इफ द कंडीशन इज फॉल्स अगर कंडीशन फॉल्स हो कर रहा तो द कंप्यूटर विल इग्नोर द कमांड आफ्टर देन देन के बाद क्या करेगा कंप्यूटर जो है इसको इस कमांड को इग्नोर करेगा एंड मूव टू नेक्स्ट लाइन विच इज़ एंड और फिर वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा रिजर्व और उसको फिर एंड कर देगा नेक्स्ट है एंड कमांड एंड कमांड क्या होता है दिस कमांड इज यूज टू फिनिश अ प्रोग्राम इस कमांड का इस्तेमाल किसी प्रोग्राम को फिनिश करने के लिए किया जाता है आफ्टर रीचिंग द एंड कमांड जब हम लोग एंड कमांड पहुँचने के बाद द कंप्यूटर स्टॉप्स रीचिंग लाइन्स एंड प्रिंट्स दिस मैसेज फिर क्या होगा कंप्यूटर जो है उस लाइन तक पहुँच पहुँचने के बाद वो क्या करेगा स्टॉप हो जाएगा और फिर इस मैसेज लाइन्स को और एंड प्रिंट दिस मैसेज और फिर इस मैसेज को क्या करेगा प्रिंट करेगा ओके okay. तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू फिर हम लोग कोई भी की को प्रेस करेंगे एनी स्टेटमेंट रिटेन आफ्टर एंड विल नॉट बी एक्सक्यूटेड इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर हम लोग एंड की के बाद लिखेंगे तो कुछ भी स्टेटमेंट एक्सक्यूट नहीं करेगा जब हमारा कमांड दे देंगे इनपुट कर देंगे तो उसके बाद नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक बेसिक का कैरेक्टर सेट क्या होता है इसको समझते हैं द सेट ऑफ सिम्बॉल्स दैट इज़ यूज इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन किसी सिम्बॉल्स का वैसा सेट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है उसको कहते हैं कॉल्ड इट्स कैरेक्टर सेट इसे कहते हैं कैरेक्टर सेट ओके कैरेक्टर सेट कहलाता है बेसिक यूज यूजेज द फॉलोइंग सिम्बल्स एज इट्स कैरेक्टर सेट इसके फॉलोइंग सिंबल्स के द्वारा बेसिक यूज का इस, इस्तेमाल किया जाता है इसका कैरेक्टर सेट इस प्रकार है जैसे फर्स्ट में इसका नंबर्स हो गया नंबर में कैरेक्टर सेट में क्या क्या आता है जैसे सीरियल काउंटिंग नंबर होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन एंड वन टू ज़ीरो तक यानी वन से स्टार्ट होता है नाइन के बाद फिर जीरो आता है सेकंड है इसका कैरेक्टर सेट अल्फ़ाबेट्स अल्फाबेट्स में कैपिटल लेटर भी ए टू जेड हो सकता है और अल्फाबेट में स्मॉल लेटर भी ए टू जेड हो सकता है यानी ए से लेकर जेड तक थर्ड है इसका स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर में क्या क्या आता है जैसे एक्सक्लामेशन का साइन एट द रेट हैज़ डॉलर परसेंट एक्सपोनेंट एस पर साइन एस्ट्रिक्स कॉमा हाइफेन माइनस प्लस ठीक है सेमी कॉलन कॉलन ग्रेटर दैन लेस दैन ब्रैकेट तो ये सारा जो है आपका स्पेशल कैरेक्टर के अंदर शो करता है तो ये था हमारा कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सटेंट्स एंड वेरिएबल कॉन्सटेंट और वेरिएबल्स क्या होता है तो द वैल्यू विच डज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉन्सटेंट वैसा वैल्यू जो प्रोग्राम के एक्सक्यूशन के दौरान कोई चेंजिंग नहीं होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको कॉन्स्टेंट कहते हैं ओके तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होता है एक न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट होता है एक अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होता है दो कॉन्स दो इसका टाइप्स होता है कॉन्स्टेंट का तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट क्या होता है उसको समझते हैं एनी न्यूमेरिक वैल्यू एन इंटीजर और ए रियल नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई इंटीजर हो गया या फिर कोई रियल नंबर हो गया इसको हम लोग न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट कहते हैं दिस इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन इसका इस्तेमाल हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर माइनस सेवन फोर जीरो एक्सेट्रा कोई भी नंबर को हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए कर सकते हैं नेक्स्ट है अल्फानेमरिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट ये क्या होता है द सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग कैरेक्टर का एक सेट होता है जिसको हम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग कहलाता है द्रिंग कॉन्स्टेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कैरेक्टर्स के सीक्वेंस में कंसिस्ट रहता है जैसे ए टू जेड यानी एस ए जेड स्मॉल लेटर में भी हो सकता है ए सी जेड जीरो टू नाइन एंड सर्टेन स्पेशल सिंबल इसके अलावा कुछ स्पेशल सिम्बल्स भी होता है इसका जैसे परसेंटेज हैज़ एक्सपोनेंट एसपरसाइंड एक्सेट्रा दिज आर यूज टू रिप्रजेंट द नेम्स एड्रेस एक्सेट्रा इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कोई भी नेम और एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ओके okay. तो यह था हमारा कॉन्स्टेंट नेक्स्ट है वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होता है द वेरिएबल इज़ द लोकेशन इन मेमोरी टू विच एनी वैल्यू कैन बी असाइन इन वेरिएबल मेमोरी में लोकेशन होता है जो किसी भी वैल्यू को असाइन किया जा सकता है ओके okay. इट कंटिन्यू टू होल्ड द वैल्यू अनिल अनदर वैल्यू इज असाइन टू इट ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कोई दूसरा वैल्यू इसमें असाइंड ना हो जाए ओके टाइप्स ऑफ वेरिएबल नेक्स्ट है वेरिएबल्स के टाइप्स इसका इसका भी टू टाइप्स होता है एक न्यूमरिकल वेरिएबल दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स सब पहले हम न्यूमरिकल वेरिएबल को समझते हैं इट कैन कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू इसमें केवल निमरिक वैल्यू ही रह हो सकता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट और एन अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय अनदर अल्फ़ाबेट और डिजिट फॉर एग्जांपल ए सी ए टू एक्सेट्रा यानी यह अल्फ़ाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट हो सकता है या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट के साथ कोई एक डिजिट अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट एक दूसरे डिजिट को भी फॉलो करता है जैसे ए सी हो गया ए टू हो गया ए थ्री हो गया ए वन हो गया सी वन हो गया बी वन हो गया इस तरह से अल्फ़ाबेट तो के साथ कोई न्यूमरिक को भी फॉलो करता है ओके सेकंड है अल्फ़ा न्यूमरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स स्ट्रिंग वेरिएबल इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन अल्फ़ाबेट फॉलोड बाई डॉलर साइन यानी कोई स्ट्रिंग वेरिएबल्स को, को डॉलर साइन के द्वारा किसी अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इट कैन कंटेन लेटर डिजिट अंडर स्कोर सिंबॉल एंड द लास्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज अ डॉलर साइन यह लेटर डिजिट अंडर स्कोर सिंबॉल भी इसमें शामिल होता है और लास्ट कैरेक्टर इसका हमेशा डॉलर साइन में ही होता है स्ट्रिंग वेरिएबल कैन स्टोर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट को ही स्टोर हो सक कर सकता है ओके तो स्टूडेंट्स आज हम लोग लास्ट इसी टॉपिक्स में इंट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स ऑपरेटर्स को हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थैंक यू हैव हैवी नाइस डे